नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उल्टी में खून एक ऐसा लक्षण है कि अगर हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को हो जाए तो हम घबरा जाते हैं। आज का वीडियो विस्तार से इसी विषय पर। आज जानेंगे उल्टी में खून के क्या कारण होते हैं, इन कारणों का पता कैसे लगाया जाता है और किन आधुनिक तकनीकों की मदद से इसका इलाज किया जाता है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उदयपुर के प्रसिद्ध पेट, आंत और लिवर रोग विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर राजीव शर्मा के साथ। दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा पेट, आंत और लिवर रोग विशेषज्ञ उदयपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि खून की उल्टी की परेशानी या बीमारी होती क्या है। उल्टी करते समय खून का आना खून की उल्टी कहलाता है। उल्टी में खून पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से से आता है। अगर किसी मरीज को उल्टी में खून आ रहा है तो ये खून फेरिंग्स, खाने की नली यानी फूड पाइप, पेट या छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें से किसी भी हिस्से से आ सकता है। उल्टी में खून कई अलग अलग स्थितियों के कारण हो सकता है और गंभीरता व्यक्तियों के बीच भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों, उल्टी में खून ब्राइट रेड कलर का या कॉफ़ी बीन जैसे काले और भूरे रंग का हो सकता है। खून की उल्टी नाक में या बहुत जोर जोर से खांसने से भी आ सकती है, लेकिन दोस्तों यह आमतौर पर किसी गंभीर समस्या के कारण होती है और इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं खून की उल्टी क्यों होती है और उसके क्या कारण होते हैं। पेट में लिवर, स्प्लीन और आंत को जोड़ने वाली रक्त वाहिका में रुकावट के कारण शरीर की रक्त वाहिकाओं में दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण खाने की नली में स्थित रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं, जिसके कारण खून की उल्टी होती है। खून की उल्टी के कई कारण होते हैं, जैसे लिवर में कोई समस्या का होना, पेट का कैंसर होना या खाने की नली में कैंसर होना। ज़्यादा शराब का सेवन करने से भी लिवर में होने वाली सिरोसिस बीमारी के कारण भी खून की उल्टी हो सकती है। दोस्तों, भोजन की नली में कैंसर का होना जिसे हम इसोफेजियल कैंसर कहते हैं, इसोफेगस, या खाने की नली में सूजन का होना जिसे हम इसोफेजाइटिस भी कहते हैं, या खाने की नली में बड़ी हुई नसों का होना जिसे आमतौर की भाषा में इसोफेजियल वराइसिस कहा जाता है, इसके कारण भी खून की उल्टी हो सकती है। पेट में बड़ी हुई नसों की समस्या, पेट में सूजन का होना, पेट में छाला होना जिसे हम अल्सर कहते हैं, पैनक्रियाज में सूजन का होना जिसे पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, या मरीज का एस्पिरिन थेरेपी पे होना भी खून की उल्टी होने का कारण बन सकता है। दोस्तों, कई बार खून की उल्टी ड्यूओडेनल पार्ट से भी होती है। यह ड्यूओडेनम हमारी छोटी आंत का एक अभिन्न अंग होता है। कई बार खून की उल्टी ड्यूओडेनल अल्सर के कारण भी होती है। खाने की थैली जहां से शुरू होती है उसे ड्यूओडेनल बल्ब कहा जाता है और इस बल्ब से ज़्यादा अल्सर होते हैं जिन्हें हम ड्यूओडेनल अल्सर कहते हैं। इसका दूसरा कारण है गांठ या कैंसर का होना। यह गांठ या ट्यूमर हमारे ड्यूओडेनम के आगे के एरिए में हो जाती है, जिसके कारण भी कभी कभी खून में उल्टी आ सकती है। अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं करा गया तो यह रिस्की भी हो सकता है। अब जानते हैं ये खून की उल्टी के साथ और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। खून की उल्टी में उजला लाल या कॉफ़ी बीन जैसे रंग में जो खून निकल सकता है, ये बीमारी के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि पेट में अल्सर का होना या पेट में सूजन का होने के कारण कॉफ़ी बीन्स कलर में खून निकलता है। उल्टी में रक्त अक्सर खाने की नली या पेट में कम समय के लिए जो गंभीर रक्त स्राव की तरफ संकेत करता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मरीज को उल्टी में थोड़ी मात्रा में ही खून होता है और उसमें पेट का बचा हुआ खाना मिश्रित हो जाता है। अगर किसी मरीज को उल्टी कॉफ़ी बीन्स के रंग की तरह होती है तो इसका मतलब खून मरीज के पेट में कुछ घंटों तक रखा हुआ है। इसके अलावा पेट दर्द होना, जी मचलाना, भोजन करते ही खाना बाहर आ जाना, पेट में ऐठन और खून की उल्टी के साथ होने वाले लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण नजर आए तो आपको तुरंत अपने पेट, आंत और लिवर रोग विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उल्टी में खून आने से और क्या समस्याएं हो सकती हैं। बार बार खून की उल्टी के कारण मरीज के शरीर में
खून की कमी हो सकती है, जिसे अनीमिया कहा जाता है। अत्यधिक खून की उल्टी से मरीज कमजोर महसूस करने लगता है और इसके कारण रोगी को लंबे समय तक थकान, खड़े रहने में चक्कर आना, इस प्रकार के सिम्टम्स आ सकते हैं। संक्रमण फैलना भी खून की उल्टी के कारण हो सकता है। अत्यधिक खून बहने से होने वाले खून की उल्टी सदमे का कारण भी बन सकती है, इसलिए कभी भी अगर आपको उल्टी में खून नजर आए तो तुरंत पेट आंत लिवर रोग विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, आप बात करते हैं कि उल्टी में खून आने पर हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। उल्टी में खून आते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उल्टी में खून के साथ मरीज को कोई गंभीर लक्षण तो नहीं आ रहे। जैसे कि यदि कभी मरीज को खून की उल्टी के कारण सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है या उससे तेज तेज सांस लेने की आवश्यकता पड़ रही है, और अगर व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में खून की उल्टी हो रही है, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा अगर मरीज को खून की उल्टी के साथ चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है या मरीज का बेहोश होना, ऐसे सिम्टम्स हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उल्टी में खून आने से कैसे रोक सकते हैं। हालांकि उल्टी में खून एक ऐसा लक्षण है जो अक्सर अप्रत्याशित होता है, इसे रोकने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। अधिक तेल मसाले ना खाएं, खट्टी चीज़ों के सेवन से बचें, अगर पेट में अल्सर की समस्या है तो खान पान एकदम अपना सादा रखें। उल्टी में खून की समस्या से बचने के लिए स्मोकिंग और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। हेल्दी फूड का सेवन करें, बाहर की चीज़ों को कम से कम खाएं, और अगर आप एस्पिरिन नाम की कोई दवाई लेते हैं तो उसको, आपको उल्टी में खून आने की शिकायत उससे हो रही है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और एस्पिरिन की गोली आप तुरंत बंद करें। अपने डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाना, स्वस्थ आहार लेना, स्वस्थ वजन बनाए रखना और नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति को खून की उल्टी हो रही है तो उसके लिए कौन कौन सी जांच की जाती है। जब कोई मरीज खून में उल्टी की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले इस बीमारी का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर मरीज के लक्षण के बारे में पूछते हैं। उसके बाद डॉक्टर ये देखते हैं कि मरीज को पीलिया यानी जॉन्डिस तो नहीं है। इसके बाद डॉक्टर पेट का एग्जामिनेशन करते हैं और ये देखते हैं कि लिवर का साइज कहीं बड़ा हुआ तो नहीं है। उसके अलावा डॉक्टर यह भी देखते हैं कहीं मरीज को अनीमिया जैसी बीमारी तो नहीं है। इसके साथ डॉक्टर खून की उल्टी की जांच करने के लिए डॉक्टर कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट भी कराते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी, एक्सरे, देन MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एंडोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एंडोस्कोपी पेशेंट को बेहोश करके की जाती है। इसमें डॉक्टर पेशेंट के मुंह में एक एंडोस्कोप नामक ट्यूब डालते हैं जो आपके पेट और छोटी आंत में जाती है। ट्यूब में एक फाइबर ऑप्टिक कैमरा डॉक्टर को आपके पेट में देखने और रक्त किस जगह से आ रहा है उसके आंतरिक रूप से जाँच करने में मदद करता है। इसमें अगली जाँच है बायोप्सी। रक्त श्राव के कारण सूजन, इन्फेक्शन या कैंसर निर्धारित करने के लिए बायोप्सी करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद अगली जांच आती है कंप्लीट ब्लड काउंट। डॉक्टर कंप्लीट ब्लड काउंट करने की जांच के लिए ब्लड टेस्ट कराने को बोलते हैं। इसके टेस्ट से मरीज के हीमोग्लोबिन का आइडिया डॉक्टर को लग जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि उल्टी में खून या आ रहा है तो उस समस्या का इलाज कैसे किया जाता है। प्रारंभिक उपचार में डॉक्टर सबसे पहले यह देखते हैं कि खून की उल्टी होने के कारण मरीज में खून की कमी तो नहीं आई है। अगर मरीज का खून बहुत ज़्यादा बह गया है और मरीज अनीमिक हो गया है या खून की बहुत ज़्यादा मात्रा बाहर निकल गई है तो तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराया जाता है। यदि रक्तस्राव मामूली है और स्वयं बंद हो गया है तो यह आवश्यक नहीं है। डॉक्टर मरीज को इंट्रावीनस फ्लूइड चालू करते हैं और मरीज के ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। इसके बाद वह नाक के रास्ते से राइल्स ट्यूब नामक ट्यूब पास करते हैं, जिससे डॉक्टर को ये पता चल सके कि अंदर खून कितना भरा हुआ है और उस नली में कितना खून एक्चुअली आ रहा है। एक बार मरीज की कंडीशन स्टेबल होते ही डॉक्टर अब खून की उल्टी का कारण पता करते हैं। इसके बाद डॉक्टर मरीज को उल्टी रोकने और पेट में एसिड कम करने के लिए कुछ दवा देते हैं। जो इम्पॉर्टेंट दवाई है प्रोटोन पंप इनहिबिटर जैसे पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल। अगर खून की उल्टी लिवर की किसी समस्या के कारण हो रही है
जिसे मेडिकल भाषा में लिवर सिरोसिस कहा जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर मरीज को शराब का सेवन नहीं करने की सलाह देते हैं, स्वस्थ भोजन करने की सलाह देते हैं। अगर उल्टी में खून आने का कारण भोजन नली में सूजन के कारण है, जिसे हम आमतौर की मेडिकल भाषा में इसोफेजाइटिस कहते हैं, इसमें डॉक्टर मरीज को कई प्रकार की दवाई जैसे कि एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटेसिड और प्रोटोन पंप इनिबिटर, जो कि पेट में एसिड बनने की प्रक्रिया को रोक देता है, और यदि उल्टी में खून आने का कारण खाने की नली में बढ़ी हुई नसों के कारण है, जिससे इसोफेजियल वराइसिस कहा जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर ब्लड प्रेशर को कम रखता है और इस बीपी को कम रखने के कारण ब्लीडिंग होने की रिस्क को कम किया जा सकता है। ऐसे में डॉक्टर बीटा ब्लॉकर दवाइयों से बीपी को कम करते हैं और पोर्टल हाइपरटेंशन कंट्रोल करते हैं, जैसे प्रोप्रानोलोल और नेडोलोल और कार्वेडोलोल। यदि किसी मरीज को पेट में अल्सर है तो डॉक्टर एंटेसिड या प्रोटोन पंप इनिबिटर, जो कि पेट में एसिड बनने की प्रक्रिया को रोक देता है, वो दवा लेने की सलाह देते हैं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कभी कभी एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। गंभीर मामलों में जैसे कि पेट या आंत के छेद होने पे, जिसे हम इंटेस्टाइन परफोरेशन बोलते हैं, ऑपरेशन करने की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ खाद्य और पेय पदार्थ खून की उल्टी की आशंका को बढ़ाते हैं। इनमें अत्यधिक खट्टे पदार्थ और मादक पेय शामिल हैं। यदि आप नियमित रूप से इन पदार्थों या पेय पदार्थों को लेते हैं, तो डॉक्टर इससे होने वाले जोखिम को कम करने के लिए आपको एक विशेष आहार की सलाह देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर राजीव शर्मा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फिजिशियन, उदयपुर में कार्यरत हूँ। खून की उल्टी की समस्या से पीड़ित हैं तो आप इसकी अधिक जानकारी और इलाज के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर राजीव शर्मा, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया उल्टी में खून के क्या कारण होते हैं, कैसे इसका निदान किया जाता है और कैसे इसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड रिलायबल, यूजफुल, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल डैडॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।